लोग बोल रहे थे कि व्लॉग नहीं आ रहे, व्लॉग नहीं आ रहे, तो व्लॉग नहीं आ रहा उसका वही रीज़न है कि अभी हाल कुछ ऐसा हो गया है, पूरा सीमेंटेड हम लोग की दुकान को भी तोड़ लिया जा रहा, तो सब चीज़ का ताकत देने लग जा रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज संडे है, बट संडे ना तो कुछ है, आज के दिन भी काम करने जाना पड़ रहा है दुकान पे। वैसे तो काम पे मैं नहीं जाता हूँ, बट फिर भी दुकान पे मैं ज़्यादातर नहीं जाता हूँ, वहाँ पर कुछ इमरजेंसी आ गई है जिसके कारण मुझे जाना पड़ रहा। तो वो क्या इमरजेंसी है मैं आपको रास्ते में बताता हूँ आगे चल के। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा, फिर भी अगर नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बने रहे मेरे ब्लॉग पर। दुकान यही है मेरा जो कि धीरे धीरे करके खुल रहा है, तो पहले ये जितने भी बोर्ड्स वगैरह है वो सारे खुल जाएंगे, उसके बाद फिर दुकान को फिर यहाँ से हटाना पड़ेगा और जो जो भी स्टॉक माल है उन सबको भेजा जा रहा है। देखते हैं, सीट वीट को तोड़ना है, अंदर में जो दुकान में अंदर में जो सामान है उन सबको फिर अंदर के गोडाउन में रखना है ताकि वो सारे सेफ रहें। चलिए मैं दिखाता हूँ और क्या क्या आज मेरा काम होने वाला है। इधर का कुछ कुछ माल तो खाली हो गया है, बचा हुआ इधर का सीमेंट है, तो इतना सारा लगभग 50-60 बोरा सीमेंट है इसको प्लस उधर का, ये सारा कुछ हमको अंदर रखना है। और ये जो करकट है ये सारा करकट टूट जाएगा, ये दीवार टूट जाएगा, ये दीवार टूट जाएगा, इधर का सारा कुछ टूट जाना है। तो चलिए काम में लगते हैं। इधर का तो सारा सीमेंट खाली हो गया और इसको रखवाए, अब इधर वाला भी सारा खाली हो गया है, बस थोड़ा सा बचा है। अब देखते हैं सीमेंट यहाँ पे रखाया है, ये वाला है गोदाम। तो सारा सीमेंट छड़ तो यहीं पे रहता है, बस खाली सीमेंट जो है यहाँ पे रखा गया है और कुछ जो सीमेंट बचा हुआ है वो भी यहीं पे रखा जाएगा। अपना घर का काम करना होता है तो करना पड़ता है। लाइन दिया गया, थोड़ा पानी पी लिया जाए। ये टूटेगा वैसे ही, फिर ये वाला पूरा दिखाता हूँ, यहाँ से पूरा ये जो है पूरा टूट जाएगा और वेंटिलेटर तक टूट जाएगा और वहाँ से रोड पास होगा।
हाल कुछ ऐसा हो गया है, पूरा सीमेंटेड चापाकल। देख लेते हैं चापाकल में, हाथ पैर धो लेते हैं। सेट वगैरह सब कुछ गंदा हो गया, अब घर जाकर सब ठीक होगा तो होगा। फिलहाल तो ऊपर का जितना कुछ था वो सारा कुछ बॉर्डर टाइप में जो था वो तो टूट गया है, और बचा हुआ अब सिर्फ करकट उतारना है, और उसके बाद सारा सीमेंट वगैरह जो था वो सारा कुछ भी पहुंचा दिया गया है ऊपर नीचे के गोदाम में। तो आज का काम सिर्फ करकट उतार करके उसके बाद फिर छोड़ देंगे, फिर कल से फिर इसको कंटिन्यू करना है। बहुत लोग बोल रहे थे कि ब्लॉग नहीं आ रहे, तो ब्लॉग नहीं आ रहा उसका वही रीज़न है कि अभी थोड़ा सा खुद के लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। जैसे ही वो सारे प्रॉब्लम्स दूर होते हैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर ब्लॉग डालूँ, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मैं अपने बारे में कम से कम किसी को तो बताऊँ। और बस यही अभी ज़िंदगी में चल रहा है, अभी तो बेरोजगार इंजीनियर का यही काम है, धीरे धीरे करके देखते हैं। कुछ अगर आगे कुछ होता है तो और मैं आपको अपडेट दूंगा अपने ब्लॉग से, बट फिलहाल अभी यही है कि हम लोग का दुकान कुछ दिन के बाद टूट जाएगा, और फिर उस दुकान को हम लोग इस वाले गोदाम में स्विच कर लेंगे। और जैसे ही वो पूरा टूट के अगर वहाँ से अगर रोड क्लियर हो जाता है जल्दी, तो फिर हम लोग का दुकान फिर से स्टार्ट हो जाएगा और फिर से बनने लगेगा। तो अभी फ़िलहाल तो इसमें ढलाई वलाई का तो वैसा कुछ नहीं है, बट जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होता है तब फिर हाल यही है कि पूरा सीमेंट से लथपथ है, जो पानी से लथपथ होता है सीमेंट से लथपथ है, और सिर्फ चेहरा जो है वही थोड़ा फ्रेश है। हाथ वात अभी जस्ट धो के आए, लंच टाइम हुआ है, तो जितने भी लेबर थे या फिर मिस्त्री थे वो सारे अपने अपने लंच पे गए हैं। मैं सोचा कि कुछ अपडेट दे दूँ, किन्हीं को अगर स्टार्टिंग में अगर नहीं समझ में आया तो मैं बता दूँ कि मेरे जो दुकान है वो एक हाईवे पे है, और हाईवे पे अभी रोड को एक्सपेंड किया जा रहा है, जिससे क्या हुआ कि जिसके भी रोड के एरिया में अगर कुछ आ रहा है, जैसे कि किसी का घर है किसी का दुकान है, तो उन सबको तोड़ दिया जा रहा है और वहाँ से रोड क्रॉस कर लिया जा रहा है। मेरे साथ भी वही हुआ है कि हम लोग का भी दुकान उसी बीच में आ गया है, तो हम लोग की दुकान को भी तोड़ लिया जा रहा, तो नोटिस हम लोग को मिला था, बट हम लोग को लगा कि अभी तो एक्सपेंड नहीं होगा, बट देख रहे हैं कि 20 तारीख तक का लास्ट अल्टीमेटम दिया गया है, तो फिर हम लोग सोचे कि जितना जल्दी हो सके उसे तोड़ करके ख़त्म कर दें, ताकि कम से कम हम लोग की जो ईंट है वो सेफली बाहर आ सके, और बाद में फिर उस ईंट को हम लोग यूज़ कर सके, नहीं तो फिर वो बुलडोज़र वगैरह अगर चल गया तो जो ईंट है या फिर गेट वेट है वो सब का सब ख़त्म हो जाएगा। मौसम का जो मिजाज है ना वो पता नहीं चल रहा कि क्या होना है क्या नहीं होना है, या तो पूरा पानी पड़ जा और या फिर पूरा धूप रहो, ना ही पानी है ना ही धूप है, थोड़ा थोड़ा पानी पड़ता है, थोड़ा थोड़ा पानी पड़ रहा है, फिर उसके बाद फिर से धूप आ जा रहा, फिर पानी पड़ रहा फिर धूप आ जा रहा, अब फिर मौसम क्या है बारिश का। अब एक बार में कम से कम पूरा पड़ जाएगा तो हम लोग भी थोड़ा सा ठीक रहता है, क्योंकि वो ऊपर में वहाँ पर पूरा वायर्स है ना, वो ऊपर में पूरा वायर्स है, तो वो हाई वोल्टेज वायर्स है, वहाँ पर बार बार मिस्त्री चढ़ेगा तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलना पड़ता है, एक तो वैसे ही चढ़ने का साधन नहीं है।
एक तो ऐसे ही यहाँ पर चढ़ने का साधन नहीं है और ऊपर से पानी है कि बार बार प्रॉब्लम कर रहा। तो भगवान जी अगर पढ़ना है तो पढ़ जाइए, एक बार में पढ़ के निश्चिंत हो जाइए ताकि बाकी लोग अपना अपना काम कर सकें। ये बीच बीच में आधा आधा थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर शांत हो जाते हैं। हम लोग की इंजीनियरिंग भाषा में कहा जाए तो अब करकट और एल्बेस्टर को अब डिसेंबल करने की प्रोसेस चालू हो गई है। दुकान लगभग में आधा से इधर टूट गया है, बाकी बचा हुआ जो है उसको अभी रखा जा रहा ताकि सेफ्टी पर्पस के लिए भी कुछ ज़रूरी है, अदरवाइज सब पूरा सिर्फ इस एक गेट के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता ना, तो इसलिए अभी सिर्फ इतना ही तोड़ा जा रहा है और बाकी जब वो टूटना होगा तो फिर बस वो उधर उधर टूटेगा, बाकी काम हो जाएगा। देखते ही देखते हम लोग का दुकान अब टूट भी गया है, लगभग में पूरा हो गया है और अफसोस भी हो रहा है बिकॉज ये हमारे फादर साहब के थ्रू ही बनवाया गया था। अब क्या कर भी क्या सकते हैं इसको लेकर के, अब काम तो लगभग में पूरा हो ही गया है, अब देखते हैं अब कल बचा हुआ जो काम है उसको कंप्लीट किया जाएगा। और चूँकि परसों 20 तारीख हो जाएगा और बुलडोजर वगैरह जो है वो अपना काम स्टार्ट कर देंगे, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। इसको ब्लॉग तो नहीं कर सकते हैं बस, मगर फिर भी अभी फ़िलहाल मेरे पास दिखाने के लिए या फिर बताने के लिए यही एक था। होप आगे उम्मीद करूँगा कि आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकूँ। आज के वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको कुछ अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।